नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, अनियमित व खराब जीवन शैली के कारण होने वाले खतरनाक बीमारियों की श्रेणी में डायबिटीज भी आता है। एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 6 मधुमेह रोगी में से एक भारतीय है। इसके मुताबिक भारत में करीब 77 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। बता दें कि जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर अनियमित हो जाता है तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। कई बड़ी बीमारियों को ठीक करने में योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर दवाइयों के साथ साथ फिट रहने के लिए योग करने की भी सलाह देते हैं। सूर्य नमस्कार भी मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है सूर्य नमस्कार और इससे क्या क्या फायदे हैं। दरअसल सूर्य नमस्कार शरीर के 10 अंगों की मदद से किया जाने वाला योग है। इसमें कुल 12 तरह के आसन होते हैं। यह शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसमें जिन आसनों को किया जाता है उसे कुछ खास नामों से जाना जाता है, जैसे प्रणामासन, हस्त उत्तनासन, हस्त पदासन, अश्व संचालन, चतुरंग दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख स्वनासन, अश्व संचलनासन, हस्त पदासन, हस्त उत्तनासन और फिर प्राणायामासन। सूर्य नमस्कार कई स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम करता है। सूर्य नमस्कार के इन 12 आसनों को अगर तेजी से किया जाए तो यह शरीर का वजन घटाने में भी मददगार साबित होता है। सूर्य नमस्कार बतौर कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट में भी कार्य करते हैं। इससे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे बेली फैट यानी पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है। साथ ही इस योग को करने से पूरे शरीर का वजन भी नियंत्रित रहता है। इस योग को करने से चित्त शांत होता है और बच्चों में फोकस की क्षमता बढ़ती है। वो एकाग्र होकर अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। साथ ही सूर्य नमस्कार करने से बच्चों में सहन शक्ति भी बढ़ती है। यही नहीं, एग्जाम टाइम में जो बच्चों में स्ट्रेस होता है उसे दूर करने में भी योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों की माने तो 5 साल के बाद बच्चे भी इस आसन को कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीज स्किन प्रॉब्लम से भी तंग रहते हैं, ऐसे में सूर्य नमस्कार करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि रोजाना सूर्य नमस्कार करने से आपकी त्वचा ज्यादा समय तक जवान रह सकती है। इस योग को करने से चेहरे पर झुर्रियां देर से आती हैं और स्किन में ग्लो भी आता है। सूर्य नमस्कार को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिस वजह से आपके चेहरे पर निखार आती है। तो ये सूर्य नमस्कार के कुछ ऐसे फायदे हैं जो डायबिटीज के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी शरीर को छुटकारा दिलाने का काम करते हैं। हालांकि हम आपको यह भी सलाह देंगे कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे कमर दर्द, घुटनों में दर्द, तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य नमस्कार करने से परहेज करें। हम आपको यह भी सलाह देंगे कि सूर्य नमस्कार करना शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से अवश्य बात कर लें कि आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए या नहीं। आपके स्वास्थ्य के हिसाब से आपके डॉक्टर इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर इस संबंध में आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।